स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में, यानी आपका जो सबस्टेशन के बारे में इसके पहले हमने चर्चा की थी। अब आपको बताऊंगा मैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, यानी आपका जो वितरण लाइन है, जो आपका सबस्टेशन के बाद की जो व्यवस्था होती है उसमें कितने प्रकार से हम वितरण की व्यवस्था करते हैं वो आज हम लोग जानेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आपका जैसे एक होता है सबस्टेशन पर एक सिस्टम अपनाया जाता है, एक रेडियल सिस्टम होता है, यानी सबस्टेशन पर एक त्रिज्यक प्रणाली आपकी होती है, रेडियल होता है, वो सिस्टम को अपनाया जाता है, वहां से उस तरीके से वितरण किया जाता है। इसमें जानेंगे कि क्या होता है। फिर दूसरा आपका है रिंग, आपका रिंग सिस्टम यानी कि वलय आपका, और तीसरा आपका है इंटरकनेक्टेड यानी अंतर्योजित आपका प्रणाली ये है। और इन तीनों रूपों को बेसिकली आपके ITI में जो बेसिक आपको बताया जाता है वो सब स्टेशन पर, यानी कि इस तरीके से आपका वितरण होता है। तो हम एक एक करके सबसे पहले जानेंगे। ये आप जो देख रहा हूँ मैंने आपको फिगर पहले सबसे पहले बनाया है, ये आपका है रेडियल, आपका रेडियल सिस्टम। तो रेडियल सिस्टम यानी कि आपका है त्रिज्यक प्रणाली। आप देख रहे हैं कि यहाँ पर लिखा है PS, ये फिगर ये ऐसा बनता है और इस तरीके से इसको बनाया भी जाता है। अब ये बनाया गया तो इसका दर्शाया गया कि PS यानी कि पावर सिस्टम में हो गया। तो जहां ट्रांसमिशन लाइन आपकी आ रही है, मेन फीडर आ रहा है, वहां से क्या करते हैं अलग अलग सब स्टेशनों पर हम अपनी विद्युत को पहुंचाते हैं। तो मान लीजिए जैसे एक हमने एक फिगर लिया है, यहां से आपका गया और ये आपका सब स्टेशन है, यहां पर ये पावर स्टेशन यानी ट्रांसमिशन लाइन यहां से गया और ये आपका सब स्टेशन पर आ गया। सब स्टेशन के बाद ये आपका जो देख रहे हैं अलग अलग दिशाओं में, ये आपका है ये सर्विस सिस्टम यानी उपभोक्ता तक यही सब स्टेशन से ही आपका क्या होता है जाता है। ये जो रेडियल आपका सिस्टम है इससे सबसे बड़ा आसान तरीका, ये सबसे बहुत ही इजी होता है ये सिस्टम बनाने में। ये सब स्टेशन कम खर्च का होता है यानी वो सस्ता होता है, ज्यादा खर्चा नहीं लगता। इसमें एक खास बात होती है कि एक ही दिशा में आपका क्या होगा करंट फ्लो होगा, यानी इधर से जा रहा है तो इधर ही जाएगा, यानी दूसरे तरीके से दूसरे तरफ से लेने का हम कार्य नहीं कर पाते। अभी हम आपसे बात करें कि अपने क्षेत्र में आपका जो देखे होंगे कि सब स्टेशन है 132, तो 132 में एक खास बात और है कि वहां पर लाइट देने का कार्य भी होता है और लेने का भी कार्य होता है आपके बगल मेल से। तो ये चीजें हैं आपकी सिस्टम में कि ये यहां से ये सिस्टम है कि यहां से गया तो, लेकिन रेडियल सिस्टम जो होगा उसमें जाने वाली ही बात हो रही है, वहां से वैद्युत जो व्यवस्था होगी वो जाने ही वाली होगी, आने वाली नहीं होगी। लेकिन इसकी खास बात होती है कि यह जो रेडियल प्रणाली होती है जाने वाली तो है, आने की कोई व्यवस्था इसमें नहीं है, और ये छोटे पैमाने पर बनाया जाता है। जैसे आपका ट्रांसमिशन लाइन जहां से आपका जनरेशन केंद्र बन रहा है, वहां आसपास की कॉलोनी है, नजदीकी क्षेत्र है, वहां पर इस सिस्टम का ज्यादा उपयोग किया जाता है, ये रेडियल सिस्टम होता है। तो इसमें मेन पॉइंट हो गया कि पावर सिस्टम, और पावर सिस्टम के बाद आपके अलग अलग सब स्टेशन, तो सब स्टेशन के बाद क्या होता है नजदीकी क्षेत्र में लगाया जाता है। दूसरा आपका ये आसान तरीका है बनाने में, खर्चीला नहीं होता है, कम होता है, और धारा एक ही दिशा में यानी विद्युत की व्यवस्था जो होती है एक ही दिशा में होती है। दूसरा आपका मैं बात करता हूं रिंग सिस्टम का। तो रिंग सिस्टम जो आप देख रहे हैं, रिंग सिस्टम में देख रहे हैं कि जैसे PS है यानी कि पावर सिस्टम यहां पर लगाया गया, यानी कि ट्रांसमिशन लाइन यहां से गया और सब स्टेशन तक आपका पहुंच गया। तो सब स्टेशन तक पहुंचा तो सब स्टेशन के बाद हम क्या करते हैं सर्विस लाइन ऐसे दो अलग अलग दो दिशाओं में एक ही यानी जा रही लाइट, तो हम क्या करेंगे समांतर क्रम में दो दो भेजते हैं। तो इससे फायदा यह होता है कि मान लीजिए किसी फीडर का किसी लाइन का कोई समस्या आती है, खराब होता है, तो ऐसे दशा में ये इसको बंद कर दिया गया तो ये लगातार कंटिन्यू चालू रहता है। तो ये फीडर आपके अलग अलग होते हैं, ये क्या होता है कि दूसरी बात इसमें क्या होती है क्लोज सिस्टम है, एक रिंग बना दिया गया, एक रिंग यानी कि एक सर्किल बना गया, उस सर्किल के हिसाब से ही वो सब स्टेशन कार्य करता है अलग अलग क्षेत्रों में भेजने के लिए। तो ये इसमें सिस्टम अपनाया जाता है कि एक यदि मान लीजिए कहीं पर एक लाइन खराब हुई तो दूसरे से लाइन लगातार जाती रहे, ये आपका होता है रिंग सिस्टम है। ये अधिक सबसे ज्यादा ये रिंग सिस्टम ही आज के समय में शहरों के क्षेत्रों में रिंग सिस्टम ही यूज किया जाता है। दूसरा बात होता है आपको मैं तीसरा बार आपको बता दूं इसी साथ में कि ये आपका है इंटर कनेक्टेड आपका है, ये आपका
ये यानी कि अंतर्योजी, यानी कि अंतर्योजी मतलब क्या होता है कि मान लीजिए ये आपका सबस्टेशन है, ये हो गया सबस्टेशन टू, हो गया सबस्टेशन तीन, हो गया किसी कारणवश ये आपका आप इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूटर है, यानी ये आपके उपभोक्ता आपके इसी बीच में पड़े हुए हैं, यानी ये आपका सबस्टेशन यहाँ पर है, सबस्टेशन दूसरा यहाँ पर है, तो इन दोनों के बीच में आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, आपके वितरक हैं, तो ये क्या है या उपभोक्ता है यहाँ पे, तो ये अलग अलग क्षेत्रों में, तो उसमें क्या होता है कि मान लीजिए किसी भी सब स्टेशन पर कोई समस्या आती है, मान लीजिए इसमें कहीं समस्या आ गई, यानी ये डैमेज हो गया किसी कारण से, कुछ समय के लिए खराब हो गया, तो ये यहाँ की जो आपके वितरक थे, यहाँ से आपकी लाइन जाती थी, तो ये आपके एक दूसरे से जुड़े होने के कारण यहाँ से जो आपका सब स्टेशन तीन है वो इस क्षेत्र में लाइन दे सकता है या इस लाइन में दे सकता है, किसी भी क्षेत्र में वो आपकी लाइन पहुंचा सकता है, और ये तब तक आपका मेंटेन हो जाएगा, मेंटेनेंस इसका कार्य हो जाएगा, तो पुनः और अन्य से हमारा कार्य चलता रहेगा। तो इंटर कनेक्टर यानी आपस में ये जुड़े हुए ऐसे सब स्टेशन होते हैं, इनका उपयोग किया जाता है। तो ये तीनों ऐसे थे कि एक था रेडियल सिस्टम, दूसरा रिंग सिस्टम, तीसरा इंटरकनेक्टेड सिस्टम। तो ये आप लोग समझेंगे और इसको पढ़िएगा, जहां पर भी कोई समस्या होगी उसको पूछने का प्रयास करिएगा। इसमें होता है कि दोनों लाइन एक साथ जाती है, इसमें होता है सब स्टेशन आपस में जुड़े होते हैं। तो ये तो रही आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रिकल पावर में क्लासिफिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है।